तेजपाल हत्याकांड में आज तक सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज तक के पास अतीक का वो मैसेज है जिसमें उसने धमकी भरे शब्दों के साथ अपनी सोच साफ कर दी। अतीक ने साफ लिखा कि मेरा लड़का न डॉक्टर बनेगा न वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और अल्लाह ने चाहा तो जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक जेल से फोन के जरिए अपना सिंडिकेट चला रहा था और एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने को उसने ये धमकी दी थी। बिल्डर मुस्लिम से अतीक ने 5 करोड़ मांगे थे और अतीक ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। धमकी में कहा गया कि बेहतर है कि मुझसे आकर मिल लो। अरविंद गुप्ता हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या सोच थी अतीक की और कैसे वो अपना रात चला रहा था जेल में बैठे हुए भी, ये सब दिख रहा है इससे। देखिए, अब तक सबने कहानियां सुनी होंगी पुलिस के जरिए, लेकिन पहली बार आज तक सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है वो भी अतीक के जरिए ही, अतीक अहमद के जरिए, जो अतीक अहमद मर चुका है हत्याकांड में, लेकिन उसी अतीक अहमद के जरिए हम सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि अतीक अहमद साबरमती जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था और उसी साबरमती जेल से उमेश पाल हत्याकांड की उसने साजिश रची थी। चैट्स जो आज तक के हाथ लगे हैं वो उसने, एक बिल्डर है मोहम्मद मुस्लिम जो 2007 में अतीक अहमद के डर से ही प्रयागराज छोड़कर भाग गया था, बकायदा उसमें अतीक अहमद उसको धमकी देता है और 5 करोड़ रुपए की मांग करता है। वो कहता है कि वो 5 करोड़ रुपए अपने बेटे असद और उमर को दे दे, जिसके बाद डर के मारे जो मोहम्मद मुस्लिम है वो 80 लाख रुपए असद को देता है और उन 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। इंटरेस्टिंग ये है अर्पिता और नेहा कि अगर आप चैट्स देखें तो चैट्स के नीचे बकायदा उसने लिखा हुआ है अतीक अहमद साबरमती जेल। अरविंद, उसके अलावा उमेश पाल हत्याकांड में आज तक सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है वो ये कि आज तक के पास अतीक का वो मैसेज है जिसमें उसने धमकी भरे शब्दों के साथ अपनी सोच साफ कर दी है। अतीक ने साफ लिखा है मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, सिर्फ हिसाब होना है और अल्लाह ने चाहा तो जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। अतीक जेल से फोन के जरिए नेहा अपना सिंडिकेट चला रहा था और एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को उसने धमकी भी दी थी। बिल्डर मुस्लिम से अतीक ने 5 करोड़ मांगे थे। अतीक ने कहा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। धमकी में कहा गया कि बेहतर है कि आकर मुझसे मिल लो। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, इस मैसेज तो ये साफ होता है कि जेल के अंदर भी पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, ऐसा नहीं कि वहां से कोई कमी आई थी, वहां से भी धमकी दी जा रही थी, वहां से भी उगाही हो रही थी, वहां से भी पैसे आ रहे थे, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे जेल के बाहर चलता था। नहीं देखिए नेहा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लगातार प्रयागराज में पिछले कई दिनों से जो कांड हो रहा है, आपने कहानियां सुनी होंगी, कभी पुलिस अफसरों की जुबानी, कभी पीड़ितों की जुबानी, लेकिन आज तक पहली बार सबूतों के साथ ये खुलासा करने जा रहा है। जो स्क्रीन पर आज तक के आप मैसेज देख रही हैं ये अतीक अहमद का मैसेज है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि मैसेज के आखिर में अतीक बकायदा अपना पता भी लिखता था नाम के साथ, अतीक अहमद साबरमती जेल। उमेश पाल हत्याकांड से सीधा सीधा इस मैसेज का कनेक्शन है। दरअसल मोहम्मद मुस्लिम 2007 में इसी अतीक अहमद के डर से प्रयागराज छोड़कर भाग गया था, लेकिन अतीक अहमद बकायदा उसको धमकी देता है, मेरे बेटे न वकील बनेंगे न डॉक्टर बनेंगे, हिसाब जल्द होगा, और उसके बाद 5 करोड़ रुपए उसने मांगे थे कि मेरे बेटे असद और उमर को दे दो, जिसमें से 80 लाख मोहम्मद मुस्लिम ने दिए थे और उन 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में हुआ, नंबर एक। नंबर दो, इस चैट्स में बकायदा जिस तरीके से पिछले दिनों चाहे यूपी पुलिस हो और चाहे ईडी हो एक्शन ले रही थी, उससे काफी ज्यादा बौखलाया हुआ अतीक दिख भी रहा है। मोहम्मद मुस्लिम जब पैसा नहीं दे रहा था तो बकायदा उसने लिखा, चुकी उस वो अतीक अहमद साबरमती जेल से मोबाइल से अपने बेटों को मोहम्मद मुस्लिम के पास भेजता था, मोहम्मद मुस्लिम ईडी का हवाला देता था, तो अतीक अहमद उसमें लिखता है कि आप ईडी ईडी कर रहे हैं, ईडी ने आपके पैसे सीज नहीं किए हैं, अच्छा यही होगा कि आप पैसे दे दें। साथ ही साथ अतीक यह भी लिखता है कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं। इंपॉर्टेंट है नेहा, अतीक को इतना गुमान था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था हर चीज को लेकर, चाहे कोई पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वो सब इस मैसेज में लिखा हुआ है। इस मैसेज में लिखता है अतीक कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं दौड़ता हूं, बेहतर हूं,
तुम आकर मुझसे मिलो अतीक अहमद साबरमती जेल। तो ये जो मैसेज है जो आज तक के हाथ लगा है ये खुलासा करता है कि साबरमती जेल से बैठकर अतीक अहमद प्रयागराज में और पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रोकेंगे आपको यहाँ पर। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आगे भी आप देते रहिए, क्योंकि एक बड़ा इन्फॉर्मेशन, बड़ा खुलासा यहाँ पर आज तक के जरिए।